चैप्टर 10 वेक्टर एलजेब्रा। देखिए वेक्टर एलजेब्रा को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बताता हूँ जो वेक्टर एलजेब्रा से रिलेटेड है, उसके बाद फिर हम वेक्टर की बात करेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटीज तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, मैं थोड़ी सी डेफिनेशन लिख देता हूं। इन द स्टडी ऑफ फिजिक्स क्वांटिटीज which are used primarily are called physical quantities. देखिए इन द स्टडी ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के स्टडी में क्वांटिटीज विच आर प्राइमरली यूज्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। वो क्वांटिटीज जो मेन रूप से यूज की जाती है उसको हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेंथ, मास, टाइम, density, area, volume, speed, velocity, etc. देखिए ये कुछ quantities है, length, mass, time, density, area, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज है। फिजिक्स में इन क्वांटिटीज का मेन रूप से यूज होता है। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है इनको हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज into two types. Scalar quantities and vector quantities. देखिए जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है, वी कैन डिवाइड ऑल फिजिकल क्वांटिटीज इनटू टू टाइप्स, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो अब स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, वन बाय वन मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट है स्केलर क्वांटिटीज। Physical quantities which have only magnitude not direction are called
स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज विच है ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनके अंदर केवल मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड मतलब उनका केवल मेजरमेंट होता है, उनको केवल मेजर कर सकते हैं, उसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं रहती, ऐसी क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। स्केलर क्वांटिटीज आर सिंपली कॉल्ड स्केलर्स, स्केलर क्वांटिटीज आर सिंपली कॉल्ड स्केलर्स। देखिए जो स्केलर क्वांटिटीज है उनको हम सिंपली स्केलर्स भी बोल सकते हैं, स्केलर्स मीन्स स्केलर क्वांटिटीज। कुछ एग्जांपल्स देखिए इसके। तो वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनके अंदर केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की उसके अंदर कोई जरूरत नहीं रहती, ऐसी क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं, और सिंपली हम स्केलर क्वांटिटीज को ओनली स्केलर्स भी बोल सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखिए इसके। फॉर एग्जाम्पल लेंथ, लेंथ एक लेंथ है उसके अंदर केवल उसका मैग्नीट्यूड है, केवल उसकी लेंथ है मीटर में, सेंटीमीटर में या किलोमीटर में, उसके अंदर डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, तो लेंथ जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। लेंथ के बाद डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस है आपके पास 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर कुछ भी, तो उसको उसमें भी डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है डिस्टेंस में, तो ये भी आपकी एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। मास, मास मतलब कोई चीज कितने अमाउंट से मिलकर बनी हुई है उसको उसका मास कहते हैं, तो मास के लिए भी डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं, इसमें केवल मैग्नीट्यूड है, तो ये भी आपकी स्केलर क्वांटिटी हो गई। टाइम, टाइम भी आपका स्केलर क्वांटिटी है, इसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं है। एरिया, किसी चीज का एरिया आपको मेजर करना है तो डायरेक्शन की जरूरत नहीं है उसमें, तो एरिया भी आपका स्केलर क्वांटिटी हो गई। वॉल्यूम, वॉल्यूम लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ये भी स्केलर क्वांटिटी हो गई। टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर भी स्केलर क्वांटिटी है, इसमें भी डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड है। स्पीड, किसी चीज की स्पीड, ये भी आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें भी डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, एटसेट्रा। तो ये कुछ क्वांटिटीज है जिनके अंदर केवल मैग्नीट्यूड है, लेंथ डिस्टेंस मास टाइम एरिया वॉल्यूम टेम्परेचर स्पीड एटसेट्रा, ये सब स्केलर क्वांटिटीज है, सिंपली हम इनको स्केलर्स भी बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वांटिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज, अब देखिए वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। देखिए फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है उसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज आर सिंपली कॉल्ड वेक्टर्स, वेक्टर क्वांटिटीज आर सिंपली कॉल्ड वेक्टर्स। देखिए जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज होती है उसको सिंपली हम वेक्टर्स भी बोल सकते हैं, ओनली वेक्टर्स बोल देंगे तो उसका मतलब वेक्टर क्वांटिटीज होती है।
कुछ एग्जांपल्स देखिए इसके. फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट 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 मतलब जैसे डिस्टेंस को यदि अपने को किसी डायरेक्शन में मेजर करना है तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है. डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी रहेगा और साथ में डायरेक्शन भी रहेगी, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई. फोर्स 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 भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है. वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी बोलते हैं आप, तो वेलोसिटी में भी मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है. वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन 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 में भी मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन बोलते हैं. रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं. तो हीट एटसेट्रा और कुछ क्वांटिटीज अपन लिख सकते हैं. तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस को अपन किसी डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, डिस्टेंस के साथ में डायरेक्शन भी मेंशन है, वो डिस्प्लेसमेंट हो गया. फोर्स फोर्स का इफेक्ट अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होता है ना. कभी किसी चीज को धकेलना आसान होता है, कभी किसी चीज को खींचना आसान होता है, तो अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स का इफेक्ट अलग अलग होता है. तो फोर्स के अंदर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है. वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी कहते हैं, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी हो गया. एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं. रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं. ये कुछ एग्जांपल्स बताया मैंने आपको वेक्टर्स के और कुछ स्केलर क्वांटिटीज. चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अपना नोटेशन ऑफ वेक्टर्स. वेक्टर्स को हम किस सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे वो बताते हैं. नोटेशन ऑफ वेक्टर वेक्टर का नोटेशन या वेक्टर का सिंबल क्या होता है. जनरली द सिंबल और नोटेशन यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर इज अ डार्क लेटर और डार्क अल्फाबेट. देखिए वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जनरली द सिंबल आर नोटेशन यूज टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर इज अ डार्क लेटर. डार्क लेटर का यूज करते हैं या डार्क अल्फाबेट अल्फाबेट ए बी सी डी या कोई भी लेटर जो डार्क बना हुआ है. फॉर एग्जाम्पल ए ऐसा डार्क लेटर लिख दिया मैंने. ए बी सी डी कैपिटल एफ कैपिटल ए एटसेट्रा ऐसे ऐसे कुछ आप डार्क लेटर्स का यूज कर सकते हैं या डार्क अल्फाबेट का यूज कर सकते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए. बट बट दीज नोटेशंस आर नॉट convenient convenient for writing लेकिन ये जो डार्क लेटर्स हैं ये लिखने के लिए कन्वीनियंट नहीं है. इन राइटिंग In writing, we replace these
सिंबल्स बाय द लेटर्स विथ एरो साइन विथ एरो साइन और लाइन ओवर देम. फॉर एग्जाम्पल ए और इसके ऊपर ऐसा एरो लगा दिए और ए इसके ऊपर ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. बी इसके ऊपर एरो लगा दो और इसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर दो. सी इसके ऊपर एरो लगा दो और इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दो. ऐसे ही एफ इसके ऊपर एक एरो लगा दो और एफ इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दो. कैपिटल ए इसके ऊपर एरो लगा दिए और ए इसके ऊपर लाइन ड्रा कर दी एटसेट्रा. ऐसा देखिए ये जो डार्क फेस लेटर्स है, डार्क लेटर्स है या डार्क अल्फाबेट है ये जो, बट दीज नोटेशंस आर नॉट कन्वीनियंट. ये जो नोटेशंस है वेक्टर के डार्क लेटर या डार्क अल्फाबेट ये लिखने के हिसाब से कन्वीनियंट नहीं है. तो इन राइटिंग वी रिप्लेस दिस सिंबल्स बाय लेटर्स विथ ओवर विथ एरो साइन आर लाइन ओवर देम. लेकिन लिखने में हम क्या करते हैं कि ये जो इंग्लिश अल्फाबेट के जो लेटर्स हैं इन लेटर्स के ऊपर या तो एरो बना देते हैं ऐसे या फिर ऐसी लाइन ड्रा कर देते हैं. तो अब ये लिखने में कन्वीनियंट हो गया. ये जो लेटर्स थे, ये जो सिंबल थे, ये लिखने में कन्वीनियंट नहीं थे. तो इन्हीं लेटर्स के ऊपर, इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स के ऊपर या तो एरो बना देंगे, एक साइड में एरो रहेगा ऐसा इधर, या फिर आप उसके ऊपर लाइन ड्रा कर सकते हैं. दोनों ही सिंबल आप यूज कर सकते हैं. तो नोटेशन ऑफ वेक्टर्स क्या हुआ कि जनरली हम क्या करते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए डार्क लेटर्स या डार्क अल्फाबेट का यूज करते हैं इस टाइप से. लेकिन ये जो डार्क फेस लेटर्स है या डार्क अल्फाबेट है ये लिखने में कन्वीनियंट नहीं है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट के जो लेटर्स है उनके ऊपर या तो एरो बना देते हैं ऐसे या फिर ऐसी लाइन ड्रा कर देते. तो ये आपके वेक्टर का सिंबल हो गया. ऐसे हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंबॉलिकली. अब देखिए जो स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज है उनको हम सेम लेटर्स ए बी सी डी के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. लेकिन इनके अंदर डिफरेंस क्या रहता है उसके लिए मैं आपको एक नोट बताता हूं. नोट लिख लो इसको. स्केलर एंड वेक्टर बोथ क्वांटिटीज are shown by the same letters a b c d etc, but there is difference. If quantity is vector, then we show this with the help of एरो और लाइन ओवर देम. देखिए स्केलर एंड वेक्टर बोथ क्वांटिटीज आर शोन बाय द सेम लेटर्स ए बी सी डी एटसेट्रा. स्केलर और वेक्टर दोनों क्वांटिटी को ए बी सी डी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, बट देयर इज डिफरेंस. लेकिन इसमें डिफरेंस है क्या? इफ क्वांटिटी इज वेक्टर, अगर क्वांटिटी वेक्टर है, then we show this with the help of arrow or line over there. हम क्या करते हैं अगर क्वान्टिटी वैक्टर है तो उस क्वान्टिटी के ऊपर एरो या लाइन लगा देते हैं. If quantity is scalar, then
देयर इज नो एरो और लाइन। अब देखिए, अगर क्वांटिटी स्केलर है तो उस क्वांटिटी के ऊपर ना तो कोई एरो लगाना है और ना ही कोई लाइन ड्रॉ करना है। सो वेक्टर ए और ए इज अ वेक्टर। अगर हमको वेक्टर ए लिखना है तो हम उसको ए के ऊपर ऐसा एरो लगा देंगे या ए के ऊपर लाइन ड्रा कर देंगे। एंड ए, खाली ए लिख दिए, इज अ स्केलर क्वांटिटी। और अगर क्वांटिटी स्केलर है तो खाली आपको ए लिख देना है ऐसा, उसके ऊपर कोई लाइन या कोई एरो नहीं लगाना। तो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस पॉइंट्स। मेरे ख्याल से आपको ये सब चीजें समझ में आ गई है। थोड़ा सा बेसिक है इसका, ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो ये इनिशियल चीजें अपने को पता होना चाहिए, उसके बाद में थोड़ा अच्छा है ये चैप्टर। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है अपना, वेक्टर एज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। वेक्टर एज डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के फॉर्म में वेक्टर कैसा रहता है? तो देखिए, ये एक लाइन सेगमेंट है। आपको मालूम है लाइन सेगमेंट में उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी रहता है और एंड पॉइंट भी रहता है। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और ये इसका एंड पॉइंट हो गया। ये एक लाइन सेगमेंट है। इस पॉइंट को अपन ए बोल देते हैं और इसको बी बोल देते हैं। ये ए से बी तक की लेंथ हो गई है ना। अब इसके अंदर अगर अपन ऐसा एरो लगा दें तो अब ये ए से बी की डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये जो लाइन सेगमेंट था अपना ए बी, इसकी डायरेक्शन ए से बी की तरफ है। तो अब ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हो गई। इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में ये जो ए है ये इसका इनिशियल पॉइंट है। ए को इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं आप इसको, और स्टार्टिंग पॉइंट। और ये जो बी है इसको अपन एंड पॉइंट बोल सकते हैं, एंड पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट भी बोलते हैं इसको, टर्मिनल पॉइंट। अब ये एक एंड पॉइंट है और एक टर्मिनल पॉइंट है। तो इसको अपन सिंबॉलिकली कैसा लिख सकते हैं? इसको सिंबॉलिकली लिख सकते हैं वेक्टर ए बी, ऐसा एरो बना दिए और ये वेक्टर ए बी ए से बी के तरफ जा रहा है ये। और इसके ऊपर अपन ऐसी लाइन भी ड्रा कर सकते हैं ऐसा, ये वेक्टर ए बी या ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वेक्टर एज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अब मान लीजिए कि जो लाइन सेगमेंट है वो ऐसी है, ए बी, यही लाइन सेगमेंट है। लेकिन अब इसकी जो डायरेक्शन है, अभी पहली वाली लाइन सेगमेंट में डायरेक्शन ए से बी के तरफ थी, अब डायरेक्शन बी से ए के तरफ है, इधर डायरेक्शन है। तो इस कंडीशन में बी जो है वो इनिशियल पॉइंट होगा या स्टार्टिंग पॉइंट होगा और ए जो है उसका एंड पॉइंट होगा। इसको अपन वेक्टर के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर बी ए बोलेंगे इसको। जब आप वेक्टर को लिखते हैं सिंबल के थ्रू तो उसमें स्टार्टिंग पॉइंट को पहले लेना है और एंड पॉइंट को बाद में लेना है। तो ये वेक्टर बी से स्टार्ट हो रहा है और ए तक आ रहा है, तो बी स्टार्टिंग पॉइंट है और ए एंड पॉइंट है, तो वेक्टर बी ए ऐसा लिखेंगे। और इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, बी से ए और इसके ऊपर लाइन ड्रा कर देंगे ऐसा। ऐसा नहीं करना आपको कि वेक्टर बी है तो बी से ए की तरफ जा रहा तो आपने ऐसा लेके ऐसा एरो लगा दी, ऐसा नहीं करना है। देखना आपको बी है और एरो की जो डायरेक्शन है वो इसी साइड पे रहेगी, मतलब वो एरो जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ ही जाएगा। भले ये वाला एरो आपका इधर आ रहा है लेकिन लिखते वक्त में आपको वैक्टर की डायरेक्शन ऐसे शो करना है। इसका मतलब है बी इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ए इसका एंड पॉइंट है। ये वैक्टर बी ए, ये लाइन सेगमेंट था बी ए, इसकी डायरेक्शन बी से ए की तरफ थी तो ये वैक्टर बी हो। तो ये है आपका वेक्टर एज डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर,
शॉर्ट में पीवी बोल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर। मान लीजिए ये ओ है और ये पी है, ये ओ से पी की तरफ जा रहा है। तो इफ ओ इज द ओरिजिन एंड पी इज एनी अदर पॉइंट, देन वेक्टर ओ पी इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। इफ ओ इज द ओरिजिन एंड पी इज एनी अदर पॉइंट, एनी अदर पॉइंट, देन वेक्टर ओपी इज कॉल्ड पोजिशन वेक्टर ऑफ, पोजिशन वेक्टर ऑफ पी। अगर ओ ओरिजिन है और पी कोई पॉइंट है तो ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हो गया ओपी, ओ से पी की तरफ इसकी डायरेक्शन जा रही है। तो ये जो वेक्टर ओपी है, ये वेक्टर ओपी को पी पॉइंट का पोजिशन वेक्टर बोल सकते हैं। अभी पी पॉइंट के अलावा कोई दूसरा पॉइंट भी हो सकता है, ए हो गया, तो वेक्टर ओ ए जो है ए पॉइंट का पोजिशन वेक्टर हो जाएगा। पी के प्लेस पे बी पॉइंट हो गया तो बी के पोजिशन वेक्टर को वेक्टर ओ बी के थ्रू रिप्रेजेंट करेगी। ओ ओरिजिन है और कोई पॉइंट है तो वेक्टर ओपी इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट पी। पोजिशन वेक्टर को शॉर्ट में हम पी वी बोल सकते हैं। ये बड़े काम का पॉइंट था, बड़ा काम में आएगा अपना वेक्टर में पोजिशन वेक्टर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। देखिए एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड मतलब उसका मेजरमेंट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी इज, अब देखिए ए बी के मैग्नीट्यूड को हम मैग्नीट्यूड या उसका मॉडुलस, इसको हम ऐसे लिखते हैं, दो खड़ी लाइनें बना देते हैं और उसके बीच में वेक्टर को लिख देते हैं, ये ए बी और ये ऐसा। ये मैग्नीट्यूड का सिंबल है या मॉडुलस का सिंबल है या शॉर्ट में इसको मॉड भी बोल सकते हैं। तो इसको पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी और मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी और मॉड ऑफ वेक्टर ए बी, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। जब ये मैग्नीट्यूड का साइन हटेगा तो ये केवल ए बी आ जाएगा, और जब वेक्टर क्वांटिटी को या वेक्टर को हम मॉड के या मॉडुलस के साइन के बाहर निकालते तो उसके ऊपर से एरो हट जाता है, केवल इसका मेजरमेंट आएगा। मैग्नीट्यूड या मॉडुलस जो होता है ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, और मॉड के बाहर आने के बाद में इसके अंदर डायरेक्शन है ही नहीं, ये केवल इसका एक मेजरमेंट है। तो मॉडुलस और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू ए बी लिख सकते हैं। इसको मॉड ऑफ वेक्टर ए बी भी पढ़ सकते हैं आप, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी भी पढ़ सकते हैं और मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी भी पढ़ सकते हैं, इज इक्वल टू ए बी। ए बी आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का जब हम मॉडुलस लेते हैं तो एक स्केलर क्वांटिटी आती है, और स्केलर क्वांटिटी में केवल उसका मेजरमेंट होता है, डायरेक्शन नहीं होती। देखो इसमें से डायरेक्शन हट गई। अब मान लीजिए ए बी के प्लेस पे मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी ए है या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ए बोल सकते हैं, इज इक्वल टू बी ए हो जाएगा, इसके ऊपर का एरो हट गया, यहाँ से डायरेक्शन हट गई, इसमें से केवल बी ए आ गया, तो बी ए इसका मैग्नीट्यूड हो गया या इसका मॉडुलस हो गया। अब ऐसे ही मान लीजिए वेक्टर ए का मॉडुलस या वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए हो जाएगा, एरो हट गया, उसके ऊपर का केवल मैग्नीट्यूड आ गया। अब ये ऐसे ही नेगेटिव क्वांटिटी, नेगेटिव वेक्टर भी ले सकते हैं, वेक्टर नेगेटिव भी हो सकता है। मॉडुलस ऑफ माइनस वेक्टर ए बी है, ऐसा है। अब इसका हमको मैग्नीट्यूड लेना है तो आपको ये मालूम है कि जो मॉडुलस का साइन रहता है वो नेगेटिव साइन को कंज्यूम कर लेता है, तो इसको अपन वेक्टर ए बी लिख सकते हैं प्लस वाला, माइनस का साइन हट गया उसके अंदर से। मॉडुलस के साइन का या मॉड के साइन का काम ही होता है कि वो नेगेटिव साइन को कंज्यूम कर लेता है, तो इसने नेगेटिव साइन को कंज्यूम कर लिया, ये
मॉड ऑफ आर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी आ गया, और इसको अपन मॉड के बाहर निकालेंगे तो ये केवल मैग्नीट्यूड आएगा ए बी, इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं है, एरो इसके अंदर का हट गया। ऐसे ही अगर ये माइनस वेक्टर बी ए होता, इसका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस वेक्टर बी ए, तो इसमें भी ऐसे ही होता है, माइनस का साइन हट जाता है मॉड के अंदर, ये वेक्टर बी ए हो गया, और इसको यदि मॉड के बाहर करते तो ये बी ए, ये एक स्केलर क्वांटिटी, किसी भी वेक्टर का जब अपन मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो स्केलर क्वांटिटी आएगी। मान लीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस वेक्टर ए ले रहे हैं, इज इक्वल टू मॉडुलस का साइन आपका माइनस के साइन को कंज्यूम कर लेगा तो ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा, और मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए को मॉड के बाहर निकालेंगे तो ये केवल ए हो जाएगा। तो ऐसे हम किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डिफाइन कर सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड जो होता है या उसका मॉडुलस जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और नेगेटिव वेक्टर रहेगा तो भी उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ही आएगा। मैग्नीट्यूड मतलब उसका मेजरमेंट, ठीक है, समझ आ गए। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है अपना टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, कुछ डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स होते हैं। तो फर्स्ट है जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर क्या होता है, अ वेक्टर हूज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स कोइंसाइड। इस कॉल्ड जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। देखिए एक वेक्टर का इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट्स जो है कोइंसाइड होते, कोइंसाइड मतलब ओवरलैपिंग या एक के ऊपर एक होते, जहां उसका इनिशियल पॉइंट होता है वहीं उसका टर्मिनल पॉइंट या एंड पॉइंट भी होता है, उसको अपन जीरो वेक्टर या नल वेक्टर कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज denoted by ये जीरो और इसके ऊपर एरो लगा दो, ये जीरो वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जीरो वेक्टर को, और ए ए ये वेक्टर ए ए, इसका इनिशियल पॉइंट भी ए है और टर्मिनल पॉइंट भी है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी ए है और इसका एंड पॉइंट भी है, ये भी आपका जीरो वेक्टर या नल वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बी बी वैक्टर ये भी आपका नल वेक्टर या जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल पॉइंट भी बी है और टर्मिनल पॉइंट भी बी है, स्टार्टिंग पॉइंट भी बी है और एंड पॉइंट भी बी है, या इसको और ओ ओ इनिशियल पॉइंट भी ओ है और टर्मिनल पॉइंट भी ओ है, तो ये भी आपका जीरो वेक्टर या नल वेक्टर हो गया। डायरेक्शन ऑफ direction of zero vector is indeterminate, जो zero vector होता है उसकी जो direction होती है वो indeterminate होती है। indeterminate मतलब किधर से किधर होगी ये अपन पता नहीं लगा सकते, indeterminate अनिर्धारित, निर्धारित नहीं है कि उसकी direction किस ओर से किस ओर होगी, इसकी डायरेक्शन ए से ए की तरफ, तो ये भी ए ही है और ये भी ए है, ये बी और ये भी, तो इसकी डायरेक्शन अपन इधर से इधर लेंगे ये पता नहीं कर सकते, इसलिए इसको इनडिटर्मिनेट बोलते हैं, अनिर्धारित है इसकी डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो वेक्टर जो होता है वो जीरो ही होता है, एंड मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो वेक्टर इज जीरो। जीरो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो जीरो ही होता है, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो वेक्टर इज इक्वल टू, जीरो वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड या उसका मॉडुलस लेंगे तो जीरो ही आएगा, कोई लेंथ ही नहीं रहेगी उसकी, कोई मेजरमेंट ही नहीं होगा, तो वो जीरो आ जाएगा। तो वेक्टर वो होता है जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट एक ही रहेंगे,
उसकी डायरेक्शन इनडिटर्मिनेट रहेगी और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो जीरो होगा। वेक्टर के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन इनडिटर्मिनेट है जीरो वेक्टर की, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो के इक्वल ही होगा, उसकी कोई लेंथ नहीं होगी, जीरो से रिप्रेजेंट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट वेक्टर है अपना यूनिट वेक्टर, और वेक्टर हूज मैग्नीट्यूड, हूज मैग्नीट्यूड एस यूनिटी, दैट इज वन यूनिट, इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर अ वेक्टर अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी दैट इज वन यूनिट। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन यूनिट के इक्वल हो उसको अपन यूनिट वेक्टर बोलेंगे। द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, द यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज डिनोटेड बाय ए, और उसके ऊपर ऐसा कैप लगा देना आपको, ए कैप। इट इज रीड एज ए कैप, इसको कैप रीड करते, और ए हैट रीड कर सकते हैं, और ए कैरेट। ऐसा देखिए, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा इज डिनोटेड बाय ए, और उसके ऊपर ऐसा सिंबल आपको लगाना है, ये कैरेट साइन कहलाता है, या इसको कैप पढ़ते हैं, रीड एज ए कैप, इसको ए कैप पढ़ लो, और ए हैड पढ़ लो, हैड मतलब टोपा, और एक कैरेट भी बोल सकते हैं। कैरेट साइन लगाते हैं अपन, मिसिंग सिंबल कहलाता है, कोई चीज छूट जाती है कभी लिखते लिखते हैं, तो अपन ऐसा लगाते हैं, और यहाँ पे पूरा का पूरा वर्ड या सेंटेंस कुछ भी लिख सकते हैं, इसका मतलब ये मिसिंग सिंबल टाइप का है। तो एक यूनिट वेक्टर, वेक्टर ए की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर रहेगा उसको अपन इस सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे ए, और उसके ऊपर ऐसा कैप लगा देंगे, टोपी पहना देंगे उसको, उसको ए हैड भी पढ़ सकते हैं और ए कैरेट भी पढ़ सकते हैं, कोई कुछ भी पढ़ सकता है, हम जनरली इसको ए कैप पढ़ते हैं, ए कैप पढ़ेंगे इसको। अब देखिए इसको डिफाइन कैसे करते हैं, एंड इट इज डिफाइंड एज, एंड इट इज डिफाइंड एज ए कैप इज इक्वल टू, ऊपर वेक्टर ए आ जाएगा और उसी के मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर देंगे, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। ऐसे ही मान लीजिए वेक्टर बी की डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर है, तो उसको बी कैप के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, और ये कैसे डिफाइंड होगा, वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ऐसे ही अगर मान लीजिए वेक्टर सी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, तो उसको सी कैप के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको डिफाइन करेंगे वेक्टर सी अपॉन मैग्नीट्यूड और मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी। इस साइन को मैग्नीट्यूड पढ़ो या मॉडुलस पढ़ो या शॉर्ट में मॉड पढ़ो, कुछ भी पढ़ सकते हैं आप। अब देखिए ये जो तीनों वेक्टर है, ए कैप, बी कैप और सी कैप, ये तीनों भी यूनिट वेक्टर है, तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल होगा, वन के इक्वल होगा, वन यूनिट के इक्वल होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप और मॉडुलस ऑफ ए कैप इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी कैप इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ सी कैप इज इक्वल टू वन यूनिट। कोई भी जो यूनिट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड या उसका जो मॉडुलस है वो वन यूनिट के इक्वल। अब ये वन यूनिट कुछ भी हो सकती है, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 ग्राम, 1 kg, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो वन यूनिट रहेगा। तो ये हमने डिफाइन कर दिया यूनिट वेक्टर को, यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो वन यूनिट के इक्वल होगा, और उसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको कैप लगा के रिप्रेजेंट करेंगे, और उसको ऐसे डिफाइन करते हैं, वेक्टर ए है, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए की डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर है तो ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी की डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर है तो बी कैप इज इक्वल टू वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी,
वेक्टर सी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, तो सी कैप इज इक्वल टू वेक्टर सी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी, और जितने भी यूनिट वेक्टर्स होंगे उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट के इक्वल होगा, तो हमने लिख दिए मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब मान लीजिए वेक्टर ए के प्लेस पे वेक्टर ए बी है, तो उसकी डायरेक्शन में उसके यूनिट वेक्टर को अपन कैसे डिफाइन करते हैं, उसको कैसा लिखते हैं। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ए बी अपॉन मॉडुलस ऑफ और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। देखिए ऐसे आपको रिप्रेजेंट करना है, वेक्टर ए बी की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको ऐसे लिखना है। अब ए बी के ऊपर अपन ऐसा कैप नहीं लगा सकते क्योंकि कैप या टोपी जो होती है वो एक आदमी को एक ही टोपी पहनाई जाती है, यहाँ पे दो लोग हैं ए बी तो उसमें अपन दो के लिए ऐसा सिंबल यूज नहीं कर सकते, इसलिए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी को ऐसा लिखा जाएगा, वेक्टर ए बी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी ऐसा डिफाइन करेंगे और लिखेंगे इसको ऐसे ही, इसके ऊपर कैप लगाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही कि वेक्टर ए बी की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वेक्टर ए बी और उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर देंगे, ऐसा सिंबल नहीं लगाएंगे इसके ऊपर क्योंकि यहाँ पे दो लेटर्स है, कैप जो है वो एक ही लेटर के ऊपर लगता है। ठीक है चलिए अब नेक्स्ट वेक्टर अपना को इनिशियल वेक्टर्स, टू आर मोर वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट, हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वैक्टर्स। देखिए टू आर मोर वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर, दो या दो से ज्यादा वेक्टर, दो रहेंगे या दो से ज्यादा रहेंगे, उनका अगर इनिशियल पॉइंट सेम है, इनिशियल मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट अगर उनका सेम है तो उन वेक्टर्स को इनिशियल वेक्टर बोलेंगे। जैसे ये एक पॉइंट है या ओ, ये इनिशियल पॉइंट है, ये एक वेक्टर है और एक वेक्टर ये है, ये दो वेक्टर हो गए, कम से कम दो वेक्टर होना चाहिए, दोनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है ये और ये इधर तो ये जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये आपका एक वेक्टर हो गया, ये एक वेक्टर हो गया, दोनों को इनिशियल वेक्टर के, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये आपका को इनिशियल वेक्टर हो गया, चार भी हो सकते हैं। पांच भी हो सकते हैं, इतने भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा होना चाहिए। तो देखिए ये सारे जो वेक्टर्स हैं इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम है सबका, तो ये सारे वेक्टर जो है ये को इनिशियल वैक्टर्स हो गए। ठीक है देखिए नेक्स्ट वेक्टर अपना 4 नंबर का कोलिनियर वेक्टर्स, तो टू आर मोर वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर्स आर सेट टू बी कोलिनियर इफ दे आर ऑन द सेम लाइन ऑफ एक्शन, सेम लाइन ऑफ एक्शन और पैरेलल टू द सेम लाइन, पैरेलल टू द सेम लाइन। देखिए दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स आर सेट टू बी कोलिनियर, दो या दो से ज्यादा वेक्टर होना चाहिए उनको कोलिनियर बोलेंगे, लेकिन कब, इफ दे आर ऑन द सेम लाइन ऑफ एक्शन, जब वो सेम लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर वर्क कर रहे हो, एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे वो हो और पैरेलल टू द सेम लाइन या फिर वो सेम लाइन के पैरेलल। जैसे देखिए ये एक
लाइन ले लिया मैंने, इसके ऊपर एक इस डायरेक्शन में वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए। फिर इसी डायरेक्शन में एक वेक्टर बी भी है, और इसी डायरेक्शन में एक वेक्टर सी है, और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में इधर वेक्टर डी है। अब देखिए यहाँ पे मैंने चार वेक्टर लिया, दो ले सकते हैं, दो से ज्यादा ले सकते हैं, चारों वेक्टर जो है वो एक ही लाइन के ऊपर वर्क कर रहे हैं, उनकी डायरेक्शन किधर भी हो सकती है, तीन की डायरेक्शन इधर है और एक की डायरेक्शन इधर है, डायरेक्शन उनकी किधर भी हो सकती है, लेकिन वो सेम लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर वर्क करना चाहिए, तो उसको कोलिनियर वैक्टर बोलेंगे। चारों वैक्टर ये एक ही लाइन के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो ये कोलिनियर वैक्टर हो गए, और सेम लाइन के वो पैरेलल होना चाहिए। जैसे ये एक लाइन है, मान लीजिए ये एक लाइन है, ठीक, ना इसका एंड पॉइंट है और ना ही इसका स्टार्टिंग पॉइंट, तो एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये वेक्टर ए, ये देखो ये वाला जो वेक्टर है वो इस लाइन के पैरेलल है, एक वेक्टर बी ऐसा, ये भी आपका इस लाइन के पैरेलल है, वो भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, वेक्टर सी इस डायरेक्शन में जा रहा है और इस लाइन के पैरेलल है, वेक्टर डी बोल सकते हैं अपन, इस डायरेक्शन में आ रहा, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है उनकी। अब देखिए ये ए वेक्टर इस लाइन के पैरेलल है, बी वेक्टर इस लाइन के पैरेलल है, सी वेक्टर इस लाइन के पैरेलल है और डी वेक्टर भी इस लाइन के पैरेलल है, तो ये चारों वेक्टर जो हो गए ये कोलिनियर वेक्टर हो गए। कोलिनियर वेक्टर के लिए वेक्टर सेम लाइन के ऊपर वर्क करना चाहिए या फिर सेम लाइन के वो पैरेलल होना चाहिए, जितने भी वेक्टर दो या दो से ज्यादा वेक्टर सेम लाइन के पैरेलल रहेंगे वो सब कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट वेक्टर है अपना 5 नंबर का, इक्वल वेक्टर्स, तो टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव फर्स्ट इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है, सेकेंड सेम डायरेक्शन और पैरेलल टू द सेम डायरेक्शन, पैरेलल टू द सेम डायरेक्शन, देखिए टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर सेट टू बी इक्वल, दो वेक्टर हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी, उनको हम इक्वल वेक्टर बोल सकते हैं, लेकिन कब, इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, मतलब उनका मेजरमेंट इक्वल होना चाहिए, और सेकेंड पॉइंट सेम डायरेक्शन और उनकी डायरेक्शन सेम रहना चाहिए, दोनों एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए और पैरेलल टू द सेम डायरेक्शन या फिर वो सेम डायरेक्शन के पैरेलल होना चाहिए, तभी हम उन दोनों वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। एक फिगर के थ्रू देखिए इसको, जैसे मान लीजिए ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, तो इसमें ये एक वेक्टर जो है ये वेक्टर ए है और ये वाला वेक्टर बी है। अब देखिए रेक्टेंगल के अंदर अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल रहती है, तो ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर अपन निकालेंगे तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के इक्वल होगा, वेक्टर ए की डायरेक्शन इधर है और वेक्टर बी की डायरेक्शन भी इधर है, इनकी डायरेक्शन भी सेम है, तो ये दोनों वेक्टर जो है ये कैसे होंगे, इक्वल वेक्टर होंगे, देयरफॉर वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। तो देखिए ये सेम डायरेक्शन तो दिख रही है, आप पैरेलल टू द सेम डायरेक्शन कैसे रहते हैं, जैसे ये एक कोई लाइन है, इसकी डायरेक्शन इधर है, कोई वेक्टर है, अब यहाँ एक वेक्टर है, ये वेक्टर ए, ये इसी की डायरेक्शन में है या इसके पैरेलल है, और वेक्टर बी जो है वो भी आपका इसी वेक्टर के पैरेलल है, तो पैरेलल टू द सेम डायरेक्शन हो गई, तब भी ये दोनों वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है और ऐसी पोजीशन में है
तो भी वो दोनों वेक्टर इक्वल हो जाएंगे, और वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर इक्वल हो तो हम उसको वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी लिख सकते हैं। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए किसी वेक्टर के इक्वल होने के लिए, क्या उनके मैग्नीट्यूड इक्वल हो, उनकी डायरेक्शन सेम हो, या वो सेम लाइन के पैरेलल हो। एक लास्ट वेक्टर है अपना नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड, हुज मैग्नीट्यूड इज द सेम एज दैट ऑफ अ गिवन वेक्टर, एज दैट ऑफ अ गिवन वेक्टर बट डायरेक्शन इज अपोजिट ऑफ दैट, बट डायरेक्शन इज अपोजिट ऑफ दैट इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ द गिवन वेक्टर। देखिए अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज द सेम एज दैट ऑफ अ गिवन वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो है गिवन वेक्टर के बराबर हो या उसके इक्वल हो, बट डायरेक्शन इज अपोजिट, लेकिन उसकी डायरेक्शन उससे अपोजिट होना चाहिए, बट डायरेक्शन इज अपोजिट ऑफ दैट, उससे उसकी डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ द गिवन वेक्टर, उसको गिवन वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं। एक वेक्टर आपको गिवन है, जितने मैग्नीट्यूड का वेक्टर आपको गिवन है उतने ही मैग्नीट्यूड का एक दूसरा वेक्टर रहेगा, लेकिन उस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो गिवन वेक्टर से अपोजिट रहेगी। गिवन वेक्टर की डायरेक्शन इस साइड में है तो उसके नेगेटिव वेक्टर की डायरेक्शन इस साइड में हो जाए। नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए बी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी ए, ऐसा। देखिए पहले उसकी डायरेक्शन ए से बी की तरफ थी, जब उसका नेगेटिव लेंगे अपन माइनस लिए तो फिर उसकी डायरेक्शन बी से ए की तरफ हो जाएगी, बी ए हो जाए, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। अब ये दोनों साइड के लिए अपन मैग्नीट्यूड ले लें, दैट इज इसका मैग्नीट्यूड ले लें, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस वेक्टर बी ए, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये मॉडुलस का साइन नेगेटिव साइन को कंज्यूम कर लेगा तो ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी ए हो जाएगा। अब अगर अपन इसका मॉड निकाले मैग्नीट्यूड के बाहर करें इसको, तो ये ए बी हो जाएगा और ये बी ए हो जाएगा, एरो हट जाएगा उसके ऊपर, तो देखो जितना ए बी था उतना ही बी आया, तो ए बी और बी ए ये दोनों के मैग्नीट्यूड हो गए, मैग्नीट्यूड के ऊपर एरो नहीं रहता, मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी होती थी, ये स्केलर क्वांटिटी आ गई, ए बी और बी ए दोनों मेजरमेंट इक्वल है लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, ए से बी की तरफ डायरेक्शन थी इसकी, बी से ए की तरफ, मतलब अपन ए बी को बी ए तो लिख सकते हैं लेकिन वेक्टर ए बी को वेक्टर बी ए नहीं लिख सकते, हमको माइनस वेक्टर बी ए लिखना पड़ेगा क्योंकि ए बी की डायरेक्शन ए से बी की तरफ है और बी ए की डायरेक्शन बी से ए की तरफ है। वेक्टर में सबसे बड़ा खेल जो है वो डायरेक्शन का ही होता है, तो एक वेक्टर आपको गिवन है उसका जो नेगेटिव वेक्टर होगा वो उतने ही मैग्नीट्यूड का होगा बट उसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगी, तो ए से बी की तरफ डायरेक्शन है, अगर आप ये दो वेक्टर को इक्वल लिखना है तो आपको यहाँ माइनस का साइन लगाना, माइनस वेक्टर बी। तो ऐसे ही हम नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए को क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए है इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ए होगा, जो वेक्टर रहता है वही का वही वेक्टर रहता है उतना ही मैग्नीट्यूड का वेक्टर लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, ए के सामने प्लस साइन था तो माइनस ए हो गया, ए का नेगेटिव माइनस वेक्टर ए हो गया, और माइनस वेक्टर ए का नेगेटिव यदि आपको लेना है एक माइनस का साइन हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस होगी, ये वैक्टर ए आ जाएगा, दोनों वैक्टर एक दूसरे के नेगेटिव वैक्टर हो गए। तो इस टाइप से मैंने कुछ टाइप्स के आपको वैक्टर्स बताया, कुछ बेसिक टर्म्स बताया, सारे कॉन्सेप्ट इसके बताया, अब इन्हीं का यूज करके हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर
30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। देखिए हमको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है 40 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपको मालूम है वेक्टर क्वांटिटी है, और 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से 30 डिग्री का एंगल बनाती है ईस्ट की तरफ, डिस्प्लेसमेंट है 40 किलोमीटर का, उसको रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए मैं डायरेक्शन बना लेता हूँ। ये ऐसी चार डायरेक्शन रहती है आपके पास में, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। ये चार डायरेक्शन है हमारे पास में। ये कोई इनिशियल पॉइंट है यहां पर, ये ओ। अब 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो ये नॉर्थ है, यहां से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए इसके तरफ ईस्ट की तरफ, तो ये 0, 10, 20, 30 ऐसा मान लीजिए 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए ईस्ट की तरफ, कहां से, नॉर्थ से, ये 30 डिग्री का एंगल है, नॉर्थ से 0, 10, 20, ये 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए किसके तरफ जा रहा है, ये ईस्ट की तरफ जा रहा है, इस डायरेक्शन में ये जा रहा है, इस डायरेक्शन में कितना जा रहा है ये 40 किलोमीटर। तो मान लीजिए यहां तक के 40 ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40 यहां तक ले लिया मैंने, मान लीजिए यहां पे इसको एक नाम दे देते हैं, एक पॉइंट दे देते हैं पी, ये पी पॉइंट है। तो ये ओ से पी तक के जो है इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ये कितना हो गया 40 किलोमीटर हो गए, ये हो गया 40 किलोमीटर। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी इज इक्वल टू 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर का मैग्नीट्यूड है इसका, ओ से पी तक का जो मैग्नीट्यूड होगा, ओ से पी की तरह डायरेक्शन में जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट है, डायरेक्शन इसलिए डिस्प्लेसमेंट है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 40 किलोमीटर होगा। तो ये ओपी जो वेक्टर है आपका, ये डिस्प्लेसमेंट 40 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए ईस्ट की तरफ, ओ से पी तक, ये है 40 किलोमीटर की डिस्प्लेसमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। नीचे कुछ मेजर्स दिए हुए हैं, हमको इनको स्केलर और वेक्टर्स में क्लासिफाई करना, मतलब ये बताना है कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो फर्स्ट वन जो है 10 kg। अब देखिए 10 kg क्या है, ये है मास। मास होता क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को अपन मास कहते हैं, किसी सब्सटेंस का जितना अमाउंट रहता है उसको उसका मास कहते हैं, और मास जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्केलर, लिख दो इसको, ये स्केलर है, मास जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं, केवल मैग्नीट्यूड है। सेकेंड क्या है, 2 meters नॉर्थ वेस्ट, 2 meters नॉर्थ वेस्ट। अब देखिए 2 meter या 2 meter नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को शो कर रहा है, और ये 2 meter जो है वो मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, तो इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो ये जो है आपका, ये एक डिस्प्लेसमेंट हो गया, कैसी क्वांटिटी हो गई, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट, इसमें मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये वेक्टर हो गया आपका 2 meter नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट थर्ड, 40 degree। अब देखिए ये 40 degree, अब ये एंगल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और ये टेम्परेचर को भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन टेम्परेचर रहता है तो उसके साथ में सी या एफ ऐसा कुछ लिखा रहता है, डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री फारेनहाइट। तो ये 40 डिग्री अपन इसको एंगल रीड करेंगे, क्या बोलेंगे इसको, एंगल है ये, और जो एंगल होता है इसके अंदर केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, तो ये आपकी स्केलर क्वांटिटी होगी, स्केलर, ये स्केलर है। नेक्स्ट है अपना
40 वाट। देखिए वाट क्या होती है, ये पावर की यूनिट है, पावर है ये, और पावर जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये एक स्केलर हो गया, ये स्केलर, ये सब फिजिक्स में आप पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, 10^-19 कूलम। टेन रेस टू द पावर माइनस 19 कूलम। कूलम जो होती है वो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है ना, ये है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक चार्ज को आप स्केलर बोल सकते हैं, कूलाम मालूम है आपको। लास्ट वन है, सिक्स्थ वाला, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वेयर ये एक्सेलरेशन की यूनिट होती है, तो ये 20 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होता है आपको मालूम है, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को बोलते हैं। अब इसमें डायरेक्शन भी है और इसमें मैग्नीट्यूड भी है, तो एक्सेलरेशन जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक, तो ये पूरे 6 पार्ट डन हो गए इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज स्केलर्स एंड वेक्टर क्वांटिटी। फिर से हमको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में क्लासीफाई करना है इनको। तो फर्स्ट है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, ये स्केलर है केवल टाइम। नेक्स्ट है डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस में भी डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, तो ये भी आपकी स्केलर क्वांटिटी हो गई। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट है फोर्स, फोर्स फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन को फोर्स कहते हैं। तो फोर्स में जो होता है वो मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है ना, तो फोर्स जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर है। नेक्स्ट है वेलोसिटी, वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी बोलते हैं, तो इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर हो गया। स्पीड जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, उसमें डायरेक्शन नहीं रहती। और एक और है, नेक्स्ट वन, लास्ट वन है वर्क डन, वर्क डन। देखिए वर्क डन होता क्या है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अब देखो इसको अपन ऐसा भी लिखते हैं, ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर डी लिख दी। अब देखो फोर्स जो है वो, वर्क डन जो है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब ये भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी और ये भी वेक्टर क्वांटिटी, दो वेक्टर क्वांटिटीज का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो दो टाइप से होता है, एक होता है क्रॉस लगा के ऐसा, और एक होता है ऐसा डॉट लगा के। तो ये दोनों भी वेक्टर क्वांटिटी का जब डॉट लगा के मल्टीप्लाई होता है एफ डॉट डी, तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए वर्क डन जो है वो आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर है ये। ऐसा नहीं कि इसमें फोर्स भी आपका वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। दो वेक्टर क्वांटिटीज का जब डॉट लगा के मल्टीप्लाई करते हैं तो वो डॉट प्रोडक्ट कहलाता है, और डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी होती है। ये आगे आएगा अपने को, अभी पढ़ेंगे अपन वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटीज, डॉट प्रोडक्ट और
अभी पढ़ेंगे अपन आगे डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, तब आपको ये और क्लियर समझ में जाएगा। तो वर्क डन जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट लगा के मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो स्केलर क्वांटिटी देता है। वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी इज इक्वल टू वर्क डन और इट इज स्केलर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर। इन फिगर 10.6 अ स्क्वायर, ये 10.6 फिगर है, ये एक स्क्वायर है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर, ये वेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है, इसमें कौन से ये वेक्टर है। फर्स्ट को इनिशियल वैक्टर्स, को इनिशियल वैक्टर्स। अब देखो इसमें को इनिशियल वैक्टर्स कौन कौन से, को इनिशियल वैक्टर्स वो होते हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम रहता है। तो एक ये वैक्टर ए देखिए और ये एक वैक्टर डी देखिए, ये दोनों जो वैक्टर हैं इन दोनों वैक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है ये वाला, तो ये दोनों को इनिशियल वैक्टर हो गया, वैक्टर ए एंड वैक्टर डी, ये को इनिशियल वैक्टर हो गए। सेकेंड है इक्वल वैक्टर्स, इक्वल वैक्टर्स। अब देखिए इक्वल वैक्टर्स आपको मालूम है, ऐसे वैक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए या पैरेलल टू द सेम डायरेक्शन होना चाहिए। तो एक देखिए वैक्टर बी को देखिए और ये वेक्टर डी को देखिए, दोनों स्क्वायर की अपोजिट साइड है तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी लेंथ, और दोनों की डायरेक्शन देखिए, बी की डायरेक्शन इधर है और डी की डायरेक्शन भी आपकी इधर है, तो इनकी डायरेक्शन भी सेम है और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो वैक्टर बी और वैक्टर डी जो है ये इक्वल वैक्टर होंगे, वैक्टर बी एंड वैक्टर डी, बी एंड डी ये दोनों इक्वल वैक्टर्स हो गए। एक और है इसमें थर्ड वन, कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर बट नॉट इक्वल वैक्टर्स, कोलिनियर तो है बट इक्वल वैक्टर्स नहीं है। अब कोलिनियर वैक्टर के लिए क्या होता है कि उनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए या फिर वो सेम लाइन के पैरेलल होना चाहिए कोलिनियर के लिए, और इक्वल वेक्टर के लिए उसकी डायरेक्शन सेम होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। तो अब देखिए वेक्टर कोलिनियर होना चाहिए, तो एक वेक्टर ए देखिए और ये वेक्टर सी को देखिए, दोनों वेक्टर जो है ये सेम लाइन के पैरेलल, मान लीजिए यहां से एक लाइन है तो इस लाइन के पैरेलल ये वाला वेक्टर भी हो गया और ये वाला वेक्टर भी हो गया, दोनों वेक्टर इसके पैरेलल है, ये दोनों वेक्टर कोलिनियर होंगे। लेकिन ये दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है, इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, अपोजिट साइड है स्क्वायर की, लेकिन वेक्टर ए की डायरेक्शन इधर है और वेक्टर सी की डायरेक्शन इधर है, तो ये इक्वल नहीं है। तो वेक्टर ए और वेक्टर सी जो है ये कोलिनियर है बट नॉट इक्वल वेक्टर्स है, तो वेक्टर ए एंड वेक्टर सी आर कोलिनियर वेक्टर्स बट नॉट इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, समझ आया, जो डेफिनेशन हमने आपको बताए थे आप उसको ध्यान से देखेंगे, उसमें सब चीज लिखी हुई है, तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू आर फॉल्स, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। फर्स्ट वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर ए आर कोलिनियर, वेक्टर ए और माइनस वेक्टर ए जो है वो कोलिनियर वेक्टर होते हैं, ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये ट्रू है। देखो कैसे ट्रू है, ये मान लीजिए ये वेक्टर ए है और इधर की डायरेक्शन में माइनस वेक्टर ए आ रहा है, ये ऐसा। अब देखिए, अभी देखिए ये वेक्टर ए और माइनस वेक्टर ए दोनों सेम लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर वर्क कर रहे हैं, हैं? दोनों की लाइन ऑफ एक्शन एक ही है, भले ही इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये दोनों वेक्टर कोलिनियर होंगे। कोलिनियर वेक्टर के लिए कंडीशन ये है कि उनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए या सेम लाइन के लिए वो पैरेलल होना चाहिए, उनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, उनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी इक्वल है दोनों का, डायरेक्शन से इसका कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन इसकी कोई भी हो, बस वो सेम लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर वर्क करना चाहिए, सेम लाइन ऑफ एक्शन के पैरेलल होना, सेम लाइन के पैरेलल होना चाहिए, तो ये सेम लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो ये कोलिनियर वेक्टर हो गया, इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, डायरेक्शन कुछ भी हो, बस लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो ये ट्रू हो गया। सेकंड देखिए,
कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दो कोलिनियर वेक्टर ऑलवेज मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं। दो अगर वेक्टर कोलिनियर है तो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, ये फॉल्स है। कैसे हो गया ये फॉल्स? देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये यहां से यहां तक के कोई वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, यहां तक ठीक, और इधर आपका एक वेक्टर बी जा रहा है, वो यहां से लेके यहां तक है, तो अब देखिए दोनों कोलिनियर वेक्टर हैं। कोलिनियर वेक्टर क्यों है? क्योंकि दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम है, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड अलग है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इतना है और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इतना है। यहाँ क्या बोल रहा था कि कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दो कोलिनियर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होता है, ऐसा जरूर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे देखो बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और ए का मैग्नीट्यूड कम है, लेकिन ये दोनों वैक्टर कैसे है? कोलिनियर है, तो कोलिनियर वैक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होना जरूरी नहीं है, दैट इज वाई इट इज फॉल्स। नेक्स्ट वन देखिए, टू वैक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो वो कोलिनियर होते हैं, ये भी फॉल्स है। देखिए कैसे फॉल्स है, एक वेक्टर मान लीजिए आपका ये है वेक्टर ए और एक वेक्टर आपका ये वेक्टर बी है। अब देखिए इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड मतलब इसका मेजरमेंट और इसका मेजरमेंट इक्वल है, तो क्या ये दोनों कोलिनियर होंगे? नहीं, इनका कोलिनियर होना जरूरी नहीं। अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो वो कोलिनियर होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। कोलिनियर होने के लिए कंडीशन ये है कि वो सेम लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर वर्क करना चाहिए। तो देखो इसकी लाइन ऑफ एक्शन अलग है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन अलग है, भले ही उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन वो कोलिनियर नहीं है, क्योंकि कोलिनियर होंगे तो उसकी लाइन ऑफ एक्शन सेम होगी, दैट इज वाई इट इज फॉल्स। टू वैक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड और कोलिनियर इज फॉल्स। एक लास्ट वन पार्ट है इसका, टू कोलिनियर वैक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, अगर दो कोलिनियर वेक्टर है उनका मैग्नीट्यूड सेम है आर इक्वल, तो वो दोनों वेक्टर इक्वल होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स है। कैसे फॉल्स है ये? ये भी फॉल्स है। अब देखिए मान लीजिए एक वेक्टर है वेक्टर ए और इधर की डायरेक्शन में आ रहा है एक वेक्टर बी, यहां से यहां तक इसका मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए का और यहां से यहां तक वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, वेक्टर ए का और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, ए की डायरेक्शन इधर है और बी की डायरेक्शन इधर है, तो ये दोनों का इक्वल होना जरूरी नहीं। क्या बोला था हमने? टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नी, दो कोलिनियर वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो वो इक्वल भी होते हैं, तो ये इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि इक्वल वेक्टर होने के लिए उनकी डायरेक्शन सेम होना चाहिए, इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है, तो दो वेक्टर अगर सेम मैग्नीट्यूड के है और वो कोलिनियर है तो उनका इक्वल होना जरूरी नहीं है, वो इक्वल हो भी सकते और नहीं भी हो सकते, दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इक्वल मैग्नीट्यूड के कोलिनियर वैक्टर इक्वल होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, सो इट इज फॉल्स। तो ऐसे ये एक्सरसाइज डन हो गई हमारी, ये बेसिक एक्सरसाइज थी, इसकी सिंपल ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन इस पे पूछा जा सकता है, वन मार्क का एमसीक्यू टाइप का, बाकी कुछ खास इसके अंदर था नहीं। तो ये एक्सरसाइज डन हो गई हमारी यहाँ पर, तो आगे का जो वैक्टर है वो इसके बाद की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। ओके बाय।